ठीक है वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ़ ए के जी ये एक छोटी सी वीडियो है जनरली मैं ऐसा छोटा वीडियो नहीं बनाता हूँ अपने चैनल पे पोस्ट नहीं करता हूँ बट आई थॉट कि यार ये थोड़ा ज़रूरी है करना क्योंकि आई एम सीइंग पीपल आर क्रिटिसाइजिंग रोनाल्डो जस्ट बिकॉज ऑफ दिस उसने फिर किक में जंप नहीं किया आई थिंक देर आर सेवरल रीजन्स जिसके चलते उसने ये नहीं किया एंड आई रिस्पेक्ट योर ओपिनियन हो सकता है मेरी ओपिनियन और तुम्हारी ओपिनियन यहाँ मैच ना करें तो प्लीज़ रिस्पेक्ट माई ओपिनियन एज वेल डोंट शेट इन माई कमेंट सेक्शन बाकी uh, आप अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करने के लिए फ्री है भाई बट जस्ट डू नॉट यू नो क्रिटिसाइज एनी थिंग मैं ये चाह रहा हूँ बस एंड दी होल रीजन वाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो इज जस्ट बिकॉज यू नो आई एम सींग दिस ऑल शीटी कमेंट्स ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक टेल हिम टू प्ले क्रिकेट सो दैट ही कैन कवर हिज फेस विद हेलमेट हीज डैबिंग मैन थॉट इट इज अ बाउंसर इन क्रिकेट और सब हंस रहे हैं एंड यू नो आई जस्ट डोंट यू नो अंडरस्टैंड कि ये ये क्या है ये क्या है और ये क्यों है अब अपन इस फ्रिकी को तोड़ने की कोशिश करेंगे कि ऐसा हुआ क्यों ठीक है देर आर सेवरल रीजन्स विच आई पर्सनली थिंक सबसे पहली बात ये फ्रिकी जो टेकर था वो एक रन लेता है यानी कि वो बहुत एक पावर शॉट मारने वाला है हमने देखे हैं मैसी के कई सारे फ्री किक्स देखे हमने रोनाडो के फ्री किक्स कई बार देखे हैं कई बार रोनाल्डो को जब पावर नहीं प्लेसमेंट चाहिए रहता था तो वो दो तीन स्टेप लेके फ्री किक लेता है जब भी कोई एक फ्री किक टेकर रन ले रहा है दैट मीन्स बहुत पावर लगाने वाला है अब रोनाल्डो जो है वो सबसे सामने खड़ा हुआ था और रोनाडो न्यू की ये बॉल डायरेक्ट मेरे चेहरे पर आने वाली है एंड आई पर्सनली थिंक इट इज़ अ ह्यूमन नेचर और ये अगर तुम साइकोलॉजी पढ़े हो तो तुम सेंसिटिव रहते हो लाइट और वगैरह वगैरह डर के चीज़ों के लिए तुम सबसे पहले अपने ऑर्गन्स को बचाने के लिए करते हो तुम्हारे मुंह में मैं सच ऐसे कर दूंगा तो तुम भी ऐसे करोगे ना वैसा वाला खेल है मतलब ये साइंस इसके पीछे तो आई थिंक इट्स अ ह्यूमन नेचर जहाँ पे आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हो बट एट दी सेम टाइम आई ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट कि आप एक प्रोफेशनल से एक्सपेक्ट करते हो कि इस मोमेंट पर जब शायद गोल पड़ सकता और इसमें गोल पड़ा भी तो वो अपनी टीम को बचाए नो मैटर वॉट सर मुँह हाथ पैर कुछ भी आए ठीक है बट कहीं ना कहीं वो ह्यूमन नेचर भी तो दिखेगा ना यार ह्यूमन नेचर भी तो दिखेगा ना लेट्स ब्रेक दिस फ्री किक डाउन सबसे पहली बात फ्री किक थोड़ा पास से लिया गया था मेरे ख्याल से वॉल का डिस्टेंस और बॉल का डिस्टेंस ऑफ कोर्स वही रहता है मतलब वो पहले से ही रहता है कि इतना ही होगा लेकिन फिर भी जिस हिसाब से भाई दौड़ के आ रहे थे एकदम स्पीड से आ रहे थे रोनाल्डो न्यू दैट कि ये मेरे मुंह पे लगने वाला है जस्ट लुक एट हिम ही कवर्ड हिज फेस एंड ही वॉज जस्ट इन फ्रंट ऑफ द बॉल बाकी और कोई बॉल के सामने नहीं है ये शायद मैकेनी है आई एम मैं शायद मैं गलत हो सकता मैकेनी है इधर आर्थर खड़ा हुआ था इन लोग सब कूदेंगे तुम लोग देखना केवल रोनाल्डो नहीं कूदता है बिकॉज ही न्यू समवेयर की मेरे मुंह पे आने वाली है एट दिस मोमेंट ही न्यू हाँ ये मेरे मुंह पे मारने वाला है because he is also a taker and he run, और ये ये सब देख के कर ले कि ये मेरे मुंह पे आने वाली है। आर्थर एंड मैके अदर हैंड दे न्यू उनके मुंह पे नहीं आने वाले हैं एंड दे चूज टू जंप अब तुम देखना ये बॉल आई 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 और सब कूदे, सब कूदे। और देखो एट दिस मोमेंट इसकी आंखें बंद हैं तो हो सकता था कि इसको भी पता है कि मेरे मुंह पे लगने वाली है ये तो बॉल पे ही देख रहा है बिकॉज इसको पता है ये मेरे पास नहीं आने वाली है आर्थर ने अपना मुंह उस तरफ कर लिया इन केस उसके मुंह में बॉल लगेगी तो रोनाल्डो भाई केवल पैर ऊंचे करते हैं रोनाल्डो नहीं कूदता है अब रोनाल्डो के कूदने से नहीं ये हुआ कि ये डायरेक्ट रोनाल्डो के सर के ऊपर से गई है और ये गोल हो जाती है ब्रिलियंट फ्री किक ब्रिलियंट ट्री कि और यहाँ पे लोग रोनाडो क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि वो कूदा नहीं अब यार ये एक ह्यूमन नेचर है मेरे ख्याल से ह्यूमन नेचर इन द सेंस यार आप अपने आप को अपने सेंस ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करते हो और उसके एक फ्री किक में ना कूदने से अगर गोल पड़ भी जाता है तो इट डज नॉट यू नो क्रिएट्स दिस ह्यूज डिफरेंस वो इस गेम में गोल मार के अपनी टीम को जिताया है यूवेंटस ऑन दी अदर हैंड रोनाल्डो ने ही यूवेंटस को बचाया है रोनाल्डो 25 गोल मार चुका है लीग में जो हाइएस्ट है और जुवेंटस का भी टॉप स्कोरर है इस सीज़न तो वॉट एल्स डू यू यू नो एक्सपेक्ट फ्रॉम हिम, आई नो आई नो आई टोटली अंडरस्टैंड कि अगर वो यहाँ पे कूदता तो शायद वो गोल नहीं खाते जो एंड वॉट इन दी केस ये गोल से सामने वाली ओ पोजिशन टीम जीत जाती तो तो लोग रोनाल्डो को ब्लेम करते कि आप कूदते नहीं हो एक और इंस्टेंस होता सेम पोर्तो के खिलाफ भी जहाँ भाई कूदे नहीं थे आई गेस डक कर गए थे और गोल हो गया था जस्ट डोट वॉन नो वॉट टू से टू बी रियली ऑनेस बट बस मेरे को क्या बॉडर कर रही है ये सब क्रिटिसिज्म जो ये फालतू फेस करता है यू नो अबाउट दिस स्मॉल थिंग मेरा नज़र में छोटी ही बात है क्योंकि यू नो यार ह्यूमन नेचर है यार एंड ही इज अ लेजेंड ही इज अ गुड जस्ट यू नो वी शुड रिस्पेक्ट हिम अगर एक बार गलती हो भी जाती है तो यू you नो know, आप चढ़ नहीं बैठते हो यार किसी के ऊपर एंड आई जस्ट पर्सनली थॉट दैट बहुत, बहुत बकवास हुआ है प्रोटेक्टिंग द ब्रांड उसको उसको इंटरव्यू uh, देने जाना था उसको मार्केटिंग करने जाना था इसलिए उसने ऐसा किया ये वो लंद फंद बहुत कचरा इंटरनेट में भरा हुआ है कुछ रीजंस थे यार ही न्यू दैट बॉल वाज कमिंग बहुत ज्यादा स्पीड से डायरेक्ट उसके मुंह में लगने वाली है शायद तुम भी वहाँ यही करते अगर खड़े रहते तो हो सकता था रोनाल्डो कूदता और मुंह इधर उधर कर लेता तो शायद हो जाता बट ही चूड नॉट टू उसमें गलत क्या है इसमें गलत क्या है आई जस्ट नोंट वेरी अंडरस्टैंड यार हो जाता है यार कभी कोई और प्लेयर रहता है उससे भी हो जाता जब उसको पता रहता है कि बॉल डायरेक्ट मेरे मुंह में लगने वाली है आई नो देयर आर सेवरल प्लेयर्स जो अपना मुंह कान हाथ पैर एकदम लाइन पे लगा करके बॉल बजाते हैं टीम के लिए खेलते हैं बट अगर उसने नहीं किया तो नहीं किया हो गया ख़त्म करो यार इतना वो करने की क्या बात है एंड ये मेरा मैसेज है सभी मैसी फैंस के लिए जो रोनाल्डो को जो है वो डिसरिस्पेक्ट करते हैं हेट करते हैं यू नो वॉट मैं बहुत बड़ा मैसी का फैन हूँ आई एम अ बेक मैसी फैन बॉय एंड मैं मैं बहुत बड़ा मैसी फैन हूँ भाई मैं बहुत बड़ा मैसी फैन हूँ टू बी रियली ऑनेस्ट बट एट द सेम टाइम इफ आई लव दिस गाय इट डज नॉट मीन्स दैट आई हेट दिस गाय मैं जितना अडमायर लियोनॉल मैसी को करता हूँ उतना ही अडमायर क्रिशानो रोनालॉलॉडो को भी करता हूँ देअर आर डिफरेंट रीजन फॉर इट मैं एक तरफ लियोनॉल मैसी को इसलिए अडमायर करता हूँ क्योंकि आई जस्ट लव हाउ हम्बल ही इज आई जस्ट लव हाउ हम्बली ही ब्रेक्स ऑल दोसरी गॉड्स

तो लोगों की बातों में ज्यादा ध्यान ना देकर के ही प्रूव हिम सेल्फ इन दी गेम्स एंड आई जस्ट लव हाउ यू नो इनक्रेडिबल दिस गाय इज ब्रेकिंग ऑल द रिकॉर्ड्स स्कोरिंग गोल्स स्टिल एट द एज ऑफ थर्टी सेवन एंड सेटिंग अ नेम फॉर हिमसेल्फ एंड आई जस्ट लव हाउ कॉम्पिटिटिव ही इज हेल्दी कॉम्पिटिशन बिल्कुल ऑफकोर्स तो भाई अगर तुम ऐसी को प्यार करते हो दिस डज नॉट मीन दैट तुमको रोनाल्डो के हर एक चीज के ऊपर जो है वो कूदना चाहिए और क्रिटिसाइज uh, करना चाहिए लेट्स लेट्स बी रियली ऑनेस्ट एंड लेट्स लेट्स रिस्पेक्ट बोथ ऑफ दीस लेजेंड्स ऑफ द गेम एंड एन्जॉय वाइल दे आर प्लेइंग यू नो क्योंकि आने वाले दो चार साल में तुमको ये दोनों नहीं देखने को मिलेंगे तो कैन वी जस्ट स्टॉप दिस ऑल फकिंग शर्ट जो इंटरनेट पर चलता है एंड अ रिस्पेक्ट इन फ्रंट ऑफ दीज टू गाइज एंड एंजॉय देम प्लीज यार प्लीज प्लीज़ आई थॉट दिस वीडियो वॉज वेरी नेसेसरी बिकॉज आई नो मेनी ऑफ दो दीज गाई आर इंडियन एंड आई नो मैनी ऑफ मैसी फैंस जो मेरे खुद दोस्त हैं दे ऑल्सो डू दिस यू नो सिमिलर काइंड ऑफ थिंग जहाँ वो रोनाडो को बहुत क्रिटिसाइज करते हैं आई डोट अंडरस्टैंड वाई वाई क्यू क्यू दिस गाई हैजन स्मैशिंग रिकॉर्ड्स इन सीरिया जुवेंटस का टॉप स्कोरर है अगर जुवेंटस आज बची हुई है लीग ए में सीरिया में सॉरी तो ये इसी के बंद इसके चलते ही है यार पता नहीं यार पता नहीं मतलब ये सब हेट और नेगेटिविटी इंटरनेट में देख करके ना मेरा दिमाग फटता है और एज अ फुटबॉल फैन वी शुड आई थिंक दैट वी शुड रिस्पेक्ट बोथ ऑफ दीजेंट एट द सेम टाइम आई एम माई सेल्फ आ ह्यूज मैसी फैन बट आई जस्ट डोंट यू नो मेरे से हो नहीं पाएगा मैं कि मैं इसको हेट करूँ जा करके कभी नहीं आई रियली होप सो आप समझे होंगे कुछ इस वीडियो से आई नो ज़्यादा सेंस नहीं बना रही होगी ये वीडियो कि उसने कूदा ही क्यों नहीं फ्रिक में बट बस मैं ये चीज़ कहना चाहता था रिस्पेक्ट कर लो यार दोनों को